पाकिस्तान में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही सियासी हलचल में तहलका मचा हुआ है। पहले इमरान खान अपने विपक्षी पार्टी शहबाज शरीफ के खिलाफ आवाज बुलंद किया करते थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद से ही इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पीटीआई के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी भी या नहीं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, आइए ये जानते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इसकी बुनियाद, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग हैं कि जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा कि मुल्क की इकोनॉमी के जो हालात हैं, आओ बैठो, हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए जो है वो तैयार हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। हमने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। हम वो लोग जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार है कि जिसने आगे से गालियां दी, जिसने आगे से जो है वो चोर और डाकू कहा और उसे कहा और कहा कि ये इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। मामला ये है कि जो आदमी पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में ये कहे कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, वो जिम्मेदार है इस फसाद का या इस कन्फ्रंटेशन का, या दूसरी साइड जो है वो जिम्मेदार है? ये इतना तो कम से कम आप इंसाफ करें ना। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। कौमी सलामती, कौमी मईशत, कौमी एसेट्स, कौमी असासे कौम के साथ होते हैं और आज कौम इमरान खान के साथ है। सारे लोग सुन लें, आज से लड़ाई शुरू है, लड़ोगे मरोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे। इमरान खान की लाइव कवरेज रोकने वालों, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, फैसला आपका है। सबसे पहले कि आखिर ये मामला क्या है, इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून ATA के तहत FIR पहले ही दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में रैली के दौरान एक जज समेत दो शीर्ष अधिकारी यानी उच्च अधिकारी को धमकाने का आरोप है। इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर PTI के अध्यक्ष इमरान के खिलाफ ATA के तहत मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस इमरान को अरेस्ट करने बानी गला पहुंची थी, मगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के चलते सफल नहीं हो पाई। उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी रेड लाइन होगी जिसे सरकार पार न करे। इमरान खान रावलपिंडी के एक जलसे के लिए निकले थे मगर वापस नहीं आए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पंजाब सरकार की निगहबानी वाली किसी सेफ जगह पर चले गए हैं। एंटी टेरर एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया है और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इधर बानी गला स्थित इमरान के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक जमा हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सके। IG को और DIG को और जज को मुखातब करके ये कहना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो खातून है उनका बकायदा नाम लेके, यानी इस तरह से तो कभी किसी ने नहीं किया, तो उसका नाम लेके जो है वो किस एक बड़े ही जो है वो रौनियत के अंदाज में कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो ये धमकी नहीं है तो और क्या है? कार्रवाई जो है वो एक जुडिशल या एक पुलिस ऑफिसर जो अपने जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो सियासी लोगों के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ तो बात करते हैं। इस तरह से ऑफिसर्स के नाम लेके
ये तो उसने एक नई रवायत जो है वो डाली है। अगर आपने टॉर्चर नहीं किया, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया? राणा सनाउल्लाह पे खुद क्या क्या नहीं हुआ? जो लोग तशद्दुद से गुजरे हैं वो ही बाद में कहेंगे नहीं हमारे मुखालिफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं सीखा। सवाल ये, आप तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं? तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पैनल बनना चाहिए। आज जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि वो ब्रोकर दाल पे चले गए। लिम्पी स्किन की जो बीमारी है वो पाकिस्तान की सियासत को भी लाहक हो चुकी है। सियासत कमजोर दिल लोगों का खेल नहीं। जो गिरफ्तारियों से डरते हैं वो फिर कोई और कैरियर चूज करें। साजिश तो यही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? फवाद चौधरी के ट्वीट के बाद पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। चौधरी ने ट्वीट कर लिखा था कि इमरान के समर्थक उनके आवास बानी गला पहुंचे, वहां कई कार्यकर्ता पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ घंटों में ही हजारों लोग बानी गला इंशा अल्लाह में होंगे। चौधरी के ट्वीट के बाद कार्यकर्ताओं को बताया गया कि पीटीआई की ओर से फैसलाबाद में बानी गला के लिए बसों के काफिले निकलेंगी। आप जहां भी हैं आज ही बानी गला पहुंचे और इमरान खान के साथ एकजुट हो। पीटीआई के बड़े नेता परवेज खट्टक ने कहा कि किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। खुलेआम धमकी दिया था इमरान के खिलाफ। मारगला पुलिस स्टेशन में 20 अगस्त की रात 10 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें F9 पार्क में पीटीआई की रैली में इमरान खान के भाषणों का जिक्र है। इस एफआईआर में आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 भी शामिल किया गया है। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करने हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा जेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस्लामाबाद के एक अन्य पुलिस स्टेशन को इमरान के खिलाफ G11/2 निवासी एक शख्स की ओर से नफरत भरे भाषण देने और सेना पुलिस और न्यायपालिका के खिलाफ बगावत भड़काने की शिकायत भी मिली थी। इसके कुछ ही घंटे पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी। मारगला पुलिस द्वारा एफआईआर में कहा गया कि पीटीआई प्रमुख ने इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पुलिस और न्यायपालिका के उच्च अधिकारियों को डराने के लिए धमकाया, ताकि डर से वो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने से बचें। इससे पहले पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने इमरान के खिलाफ एक्शन लिया। पेमरा के सैटेलाइट टीवी चैनल पर उनके लाइव भाषण को बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके रिकॉर्ड तक को भाषण से हटा दिया गया था और चेक करके चलाने के लिए आदेश दिया गया था, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट ना हो। पेमरा को इस्तेमाल, अब पेमरा भी आ गया। पेमरा कहता है कि जनाब इमरान खान की लाइव तकरीर नहीं हो सकती। क्या जुर्म किया इमरान खान ने? जुर्म ये किया है, सिर्फ जुर्म एक है कि वो कभी चोरों के टोले को तस्लीम नहीं करेगा, ये जुर्म है उसका। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उत्तराधिकारी की भी नियुक्ति को लेकर सियासी गर्माहट है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको लेकर भी पाकिस्तान के शहबाज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मौजूदा हालात के लिए अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर चल रहा नाटक जिम्मेदार है। गौरतलब है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा इस साल नवंबर की आखिरी हफ्ते में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ सेना प्रमुख की नियुक्ति होने वाली है, दूसरी तरफ इमरान खान के गिरफ्तारी को लेकर तलवारें लटक रही है। वारंट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी सेफ जगह कभी पंजाब प्रांत में तो कभी किसी अन्य जगह पर छिपते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि वो गिरफ्तारी से बच सकते हैं। लेकिन उनके खिलाफ ATA के तहत मामला दर्ज किया गया है, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, जो और साथ में भाषण में भड़काऊ भाषण देने के लिए भी उकसाने की बातों का जिक्र किया गया है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार कब तक करती है, क्योंकि इमरान खान पुलिस से अभी भागती हुई बचती हुई नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि इमरान खान गिरफ्तार कब होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।